I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step, the clock is ticking. हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए व्लॉग में, जिसमें मैं आपको लेके जा रहा हूँ सूरत से वापी, जहाँ पर हम एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं। और एग्जामिनेशन भी ऐसे क्लार्क के एग्ज़ाम है दोस्तों, जो कि 12 बजे के बाद एग्ज़ाम है। 12 बजे सुबह हम लोग 7 बजे यहाँ से निकल गए सूरत से, जो कि आपको पूरा वीडियो में एंड तक देखने मिलने वाला है, क्या क्या होने वाला है, तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर बने रहेगा दोस्तों। और दोस्तों मेरे साथ है मेरे दो फ्रेंड, ये है मेरे एल्विन भाई, ये और दूसरे हमारे ड्राइवर साहब अमर भाई। स्पेशल ड्राइवर लेके जा रहे हैं दोस्तों एग्जामिनेशन के लिए आज। आंडू पांडू ड्राइवर नहीं है, सलीम जैसा कोई आंडू पांडू ड्राइवर तो है नहीं दोस्तों, बट गाड़ी भी अच्छी खासी है, फुल एसी चला के हम लोग जा रहे हैं। सो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है आपको देखने में। तो चलिए close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए नवसारी, यहाँ पर हम लोग मस्त ब्रेकफास्ट करेंगे, नाश्ता करेंगे, खमन ढोकला खाएंगे, फाफड़ा खाएंगे, उसके बाद आगे एग्जाम देने जाना है। तो पूरा वीडियो एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। नवसारी आओ और खमन ढोकला, फाफड़ा और ये सब मिक्स भजिए नहीं खाए तो कुछ नहीं खाया। ये देखिए अंकल कितने मस्त से एकदम चटर पटर नाश्ता बना रहे, खमन ढोकला, फाफड़ा, इदड़ा, जलेबी, बहुत ही टेस्टी आइटम लगती है। यहाँ पे सुबह सुबह यही नाश्ता है और बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनता है यहाँ पर हाईवे पे। और ये देखिए अंकल कितने मस्त से फाफड़ा बना रहे हैं, अच्छे से, बहुत ही टेस्टी फाफड़ा रहता है और मस्त गर्मा गर्म जलेबी के साथ, तीखा तीखी तीखी मिर्ची के साथ खाओ तो फाफड़ा बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। और हम लोगों ने जलेबी, फाफड़ा, खमन सब कुछ खाने के लिए ऑर्डर दे दिया है और मिक्स भजिए भी हम लोग खा रहे हैं। बहुत मज़ा आता है, हाईवे पे घूमो और नवसारी हाईवे से जाओ तो खास करके ये सब आइटम खाने मिले तो यार, तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत ही टेस्टी रहते हैं यहाँ के मिक्स भजिए, समोसे और यहाँ की जो स्वादिष्ट चटनी है वो बहुत ही टेस्टी होती है। फटाफट खा के हम लोग आगे निकल रहे हैं। अभी हाईवे से जाओ और फोर व्हील में आपकी गाड़ी में फास्टैग ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक आपका फास्टैग से पेमेंट कटता है और टाइम भी बचता है उतना। तो फटाफट फास्टैग से होने के बाद हम लोग आगे निकल रहे हैं। अभी ये यहाँ पर हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुँचने की तैयारी में है, श्री स्वामीनारायण गुलुपुर भिलाड़, ये यहाँ पर एग्ज़ाम है हमारी। तो हम लोग अभी एंटर हो रहे हैं दोस्तों, एग्ज़ाम होने के बाद थोड़ी देर बाद मिलते क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। और एग्जामिनेशन के अंदर जाने के लिए भी देखिए कैसा चेकिंग होता है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसीलिए पुलिस ने सब कुछ बंदोबस्त था यहाँ पे एग्जामिनेशन में, तो चेकिंग भी बहुत ही तगड़ी हो रही थी। तो एग्ज़ाम देने के लिए हम लोग अभी जा रहे हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर में एग्ज़ाम होने के बाद। सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का एग्ज़ाम है, वो होने के बाद हम लोग आगे शेयर करने वाले हैं यहाँ से आगे का जो सफ़र है। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. दोस्तों फाइनली हम लोग एग्जाम देके यहाँ पर दमन में एक नारगोल बीच है, नारगोल बीच के पास आए, तो
तो आइए आपको नारगोल बीच दिखाता हूँ। एग्जाम भी अच्छे खासे गई है और उमरगाम से नारगोल बीच दमन में पास में था, इसलिए दमन बीच घूमने आए। सो पूरा दमन बीच में मैं दिखाता हूँ आपको नारगोल बीच। दमन का नारगोल बीच और ये मेरे साथ अमर भाई और अलविन भाई। भाई मजा आ रहा है ना आज के व्लॉग में? भाई आपको मजा आ रहा है क्या फोटो शूट करने में? अपने को मजा है नहीं, ऐसा बनता ही नहीं है। आता है ना मजा? एग्जाम कैसी भी जाओ, एग्जाम कैसी भी जाओ, एग्जाम में कुछ लेना देना। यहाँ पे कभी भी आओ, दमन में नारगोल बीच पे जरूर आना आप लोग। यहाँ पे बियर नहीं मिलेगी मगर। दोस्तों ये है दमन का नारगोल बीच जो कि मेरे पीछे है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए झाड़ के पीछे ब्यूटीफुल बीच है दमन में। आज संडे है तो संडे के दिन सब एंजॉय करने आए यहाँ पर। दमन का नारगोल बीच जो है ये बहुत ही फेमस है नामांकित है क्योंकि यहाँ पे प्री वेडिंग शूटिंग के लिए कपल्स बहुत आते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है और बाहर से लोग भी बहुत सारे एंजॉय करने आते हैं नारगोल बीच पे। यहाँ का जो माहौल है बहुत ही ब्यूटीफुल है, नेचुरली माहौल है। यहाँ पर आप एक बार आओ घूमो तो आपको जो फीलिंग आएगी दोस्तों, तो आप बहुत ही मतलब मुझे थैंक यू बोलोगे कि बहुत ही अच्छी फीलिंग आई इस बीच पे, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। ये देखो ब्यूटीफुल पेड़ है, इन पेड़ों में जहाँ एकदम बैठ के एकदम रिलैक्सेशन महसूस होता है। यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए भी अच्छा खासा बीच है दोस्तों। आप सुबह सुबह यहाँ पर कहीं घूमने जाओ तो सुबह सुबह इस बीच पे आप आओ, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। और ये देखिए पेड़ों के बीच में हम लोग शूट कर रहे हैं, हम लोग इस गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं आज। देखिए मज़ा आ गया मुझे तो आज के दिन में पूरा ट्रैवल करने में। सो एंजॉय करना हो तो नारगोल बीच ज़रूर विजिट करिएगा दोस्तों। आगे भी देखते रहिए, बहुत कुछ होने वाला है इस वीडियो के अंदर। नारगोल बीच पे घूमने का मज़ा आ गया दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं आगे। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands. पर भी जहाँ पर हम लोग सिर्फ 5 मिनट के लिए रुके हैं। ये दोस्तों जामपुर बीच दमन का,
यहाँ पर सिर्फ 5-10 मिनट के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे, जैसे कि मैंने आपको आगे बीच दिखाया। वो ये है दमन का जंपर बीच, जहाँ पर हम लोग कुछ टाइम के लिए 5-10 मिनट के लिए आए। यहाँ पर मैगी बनाने का ऑर्डर दिया है। मैगी खा के आगे हम लोग फटाफट निकलने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही कम समय बिताया जंपर बीच के अंदर हमने दमन में। ये देखिए हमारा मैगी बन रहा है, बहुत ही स्वादिष्ट मैगी था दोस्तों। हम लोग निकल गए अब आगे की ओर, चिखली की ओर। यहाँ पर चिखली की ओर जा रहे हैं और चिखली से सीधा सूरत घर पे। सो चिखली में हम लोग एक फेमस चीज़ होती है बहुत, ये होटल में हम लोगों ने चिखली में बहुत ही टेस्टी मामना खाया है। ये देखिए बहुत ही बड़ा होटल है, कभी विज़िट कीजिएगा तो इस होटल में ज़रूर विज़िट कीजिए और नॉनवेज मामना खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और यहाँ से आगे हम लोग वापस निकल रहे हैं सूरत की ओर और हम लोग सूरत के लिए रवाना हो चुके हैं दोस्तों। सो दोस्तों फाइनली हमारी एग्जामिनेशन का डे था, एग्जाम अटेंड करके हम लोग नागरोल बीच पे गए, वहाँ से दमन बीच पर आए। वहाँ से हम लोग आते आते रास्ते में नाश्ता ये सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया है दोस्तों। सो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ऐसे ही जितने मिनट आपसे चैनल के इंटरेस्ट वीडियो देखते रहिए। और हाँ दोस्तों रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।